आजकल भी कई बार देखने को मिलता है, छोटी उम्र के व्यक्ति विधायक एमएलए एमपी बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, और बड़ी बड़ी उम्र के लोग जिनको अपना काम निकलवाना होता है उनके पांव छूते हैं। देखा है कि नहीं देखा आपने? अच्छा, वो किसके पांव छू रहे हैं? राजा के नहीं छू रहे हैं, कुर्सी के छू रहे हैं, स्वार्थ के चक्कर में छू रहे हैं। क्या राजा को, मतलब अब आजकल तो राज सिस्टम नहीं है, पर जो भी एमएलए एमपी मंत्री हैं, क्या उनको बुजुर्गों से पैर छुपाने चाहिए? जवाब दो, कभी भी नहीं। अगर कोई मेरा विचार माने, आदरणीय व्यक्ति से तुम किसी भी पद पर बैठकर अपना सम्मान मत कराओ, उनका सम्मान करो। अगर आप आदरणीय कोई व्यक्ति आप किसी पद पे हैं, या बलवान है या ज्ञानवान है या धनवान है, कोई भी विषय है, और आपके यहाँ कोई जरूरतमंद आया है और आपका सम्माननीय है, तो आपको उसका आदर करना चाहिए, ना कि उससे अपना आदर करवाएं। और तुमते भी निवेदन कर रहा हूं, उम्र में छोटो हो चाहे कोई मंत्री चुनो उतर जाए, लखनऊ ते आ जाए चाहे दिल्ली ते आ जाए, अपनी ब्रजवासी स्टाइल में बोलो करो, राधे राधे मंत्री जी। वैसे अभी हमारे मथुरा में तो कोई मंत्री है तो ना है? हाँ, एक मंत्री जी हैं, अब एक हैं, खैर हम उनसे नहीं कह रहे हैं, कोई भी आ जाए, दिल्ली से भी आ जाए, तो एक ही चीज बोलो करो, राम राम मंत्री जी और राधे राधे मंत्री जी। पाम पाम चीवे की कोई जरूरत ना, न जाने कौन होटल में जाए कि काय खा रहो, हमें का पतो, दूर रहो, सबसे राम राम करो, आदर सबका करो। राजा हैं, मंत्री हैं, तो आदर करने की बात है, तो आदर करो, लेकिन राम राम और राधे राधे।